स्ट्रक्चर्स के साथ, उसकी बुनियाद के साथ, उसके हम इन्हें मुल्क के साथ खेलने नहीं देंगे। मुल्क की जनता के साथ इनको, इनका दोहरा चरित्र हमारे नजरों के सामने है करने के लिए और अपने मुल्क के संविधान के बचाने के बचाव के लिए। इस जिला में पार्टी के अध्यक्ष सोनू कुशवाहा जी, बैठ जाइए आप लोग, आप लोग बराए मेहरबानी बैठ जाएं, आप लोग बराए मेहरबानी। देखिए नीतीश जी, पता नहीं अभी भी बिहार के लोगों को मूर्ख क्यों समझ रहे हैं। बिहार के लोग अशिक्षित हो सकते हैं लेकिन मूर्ख नहीं है। एक तरफ बीजेपी का साथ दे करके सीएए को कानून के रूप में परिणत करा दिया, राज्यसभा में अगर वोट नहीं देते नीतीश जी के लोग तो कानून बनता ही नहीं, तो एक तरफ वहाँ कानून बनवाते हैं और दूसरी ओर बिहार में आकर कहते हैं कि एनआरसी बिहार में नहीं चलेगा। दो तरह की बात हम अभी भी कहना चाहते हैं नीतीश जी से कि अगर थोड़ी भी ईमानदारी है आपके मन में तो जिस तरह से देश के कई राज्यों ने विधानसभा से प्रस्ताव पारित किया एनआरसी के खिलाफ, तो बिहार विधानसभा से भी आप एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित करा दीजिए कि बिहार में एनआरसी नहीं हम करेंगे, तब शायद थोड़ी बात बने। लेकिन नीतीश जी नहीं करेंगे इसलिए कि नीतीश जी भी अब बीजेपी के लोगों के साथ झूठ की गाड़ी पर सवार होकर चुनाव की बेतरनी पार करना चाहते हैं, यही है। और साजिश दोनों ने मिलकर की है, बीजेपी और जेडीयू दोनों इस साजिश में शामिल हैं। इसलिए मैं लोगों से भी आग्रह करना चाहता हूं कि इन दोनों की साजिश को लोग समझें, तब हम इस लड़ाई को आगे बढ़ा पाए। अमित शाह के साथ अब मंच साझा करने का काम शुरू कर दिया। देखिए कुल मिला जुला कर जहाँ तक हम समझ रहे हैं कि जेडीयू और बीजेपी की बी टीम बनकर रह गई, अलग से अब कोई पार्टी का अस्तित्व ही नज़र नहीं आ रहा। अब बीजेपी के साथ इतने सरेंडर रूप में नीतीश कुमार जी हैं कि बीजेपी जो कहेगी नीतीश जी को करना पड़ेगा, इसके अतिरिक्त कोई रास्ता इनके पास नहीं है। एनआरसी के विरोध में बोलने वाले दोनों नेता को पार्टी से बाहर कर दिया गया, पवन वर्मा। ठीक बात है, इसी से पता चलता है कि नीतीश जी खुद कहते हैं कि एनआरसी नहीं, और कोई अगर उसी बात पर बोल रहा है उनकी पार्टी का नेता तो उसको बाहर कर रहे हैं। सीधा इसका मतलब है कि अंदर से बीजेपी जो चाहेगी वही नीतीश जी करेंगे, कोई रास्ता इन्होंने खुद अपने लिए अब छोड़ा ही नहीं, मतलब सिद्धांत को छोड़ दिया अपना। बिल्कुल, अब सिद्धांत तो दूर दूर तक इनके लिए कुछ भी नहीं है, कुर्सी पर कैसे हम बने रहें बस एक ही इनका सिद्धांत है। लेकिन अब इस यह सिद्धांत भी इनका इस चुनाव में नहीं चलने वाला है। इसके चुनाव में किस प्रकार का रणनीति रहेगा? बिल्कुल, जो इस तरह के साजिश करके देश को बर्बाद करने वाले लोग हैं, एनडीए के लोग हैं, उनके खिलाफ महागठबंधन पूरी मजबूती से आवेगा होगा।